अपनी शाही सफारी की खिदमत की जा रही है। मैं अपनी हर चीज को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखता हूँ और उनकी खूब खिदमत करता हूँ। फिर तो तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत खुश रहेगी ना, खूब खिदमत करना उसकी। अरे आने तो दीजिए हमारी बेगम साहिबा को, रानी बना के रखेंगे और तुम देखना सारी लड़कियां जेलस हो जाएंगी कि काश हमारा भी ऐसा शौहर होता। बिल्कुल बिल्कुल, जोरू का गुलाम हर किसी के नसीब में थोड़ी ना होता। तुम भी बूढ़ी औरतों की तरह सोचने लग गई ना कि जो शौहर भी अपनी बीवी की खिदमत करे, उनसे प्यार से बात करे, वो जोरू का गुलाम है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम कैसे शौहर साबित होते हो। फिलहाल अपनी वालदा का हुक्म बजा लाइए और 2 किलो दही और 1 डब्बा चाट मसाला लेकर आइए। एक ही दिन मिलता है इतवार का और वो भी बाजार आने जाने में खर्च हो जाता है। वासिफ भाई से कह दो, कहाँ है वो? वासिफ भाई बनने संवरने में जो मसरूफ है, उनके होने वाले सास ससुर जो आ रहे हैं। वैसे ये काम उनका है, उनको लाना चाहिए अपनी सास के लिए अच्छा सा दही। अभी अच्छा सा दही तुम ही लाओ, बीवी आंटी ने मुझे कहा है कि तुम्हें बोलो जाने का, बस बातें करवा लो तुमसे। पैसे दिए क्या? जाके ले लो उनसे। इसे भी जाके लो आप।